हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको लेकर सिक्स एमएम का पैरामीटर लेकर आया था। 2 एमएम, 4 एमएम, 6 एमएम, ये पैरामीटर हो गया है फ्रेंड। तो आज चलिए एमएस 10 एमएम का पैरामीटर लेगा। इससे पहले मैं एक और टाइम कैलकुलेट करने के लिए वीडियो बनाया था फ्रेंड, वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा फ्रेंड। और चलिए अभी 10 एमएम का पैरामीटर हम लोग बनाते हैं। ये चलिए फाइल अपना सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और ये देखिए ये मेरा ऑलरेडी ओपन है। ये सिपकट सॉफ्टवेयर है। ये देखिए ये पीसेस जो है इसको मेरे को इसी पे 10 एमएम का पैरामीटर बनाएंगे अभी। तो चलिए ये जॉब को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसके अंदर जो भी है लीड लाइन का प्रोसेस है और बाकी का राइट टू लेफ्ट बॉटम टू टॉप ये जो भी डायरेक्शन है मशीन का स्क्वेंस से वो सब आप सेट कर लीजिए। साइज आप अपना चेक कर लीजिए। आपकी साइज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ड्राइंग बना हुआ है फ्रेंड। ये आर्क है, आर्क कटिंग करना है। ये चलिए लीड लाइन दे देते हैं, इसमें लीड लाइन 4 एमएम 5 एमएम डाल देते हैं फ्रेंड। ओके, इसको शॉर्ट कर देंगे फ्रेंड, वो भी देख लेंगे। ये डाउन साइड में हम इसको जिधर वेस्ट मटेरियल है उस साइड में हम इसको रख सकते हैं फ्रेंड। लीड लाइन का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसका लीड लाइन का पोजीशन हम चेंज कर लेते हैं, या आप जो भी चीज़ कट कीजिएगा वो आप चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड। ओके, टोटल को हम आर्क सेंटर में कर देंगे लीड लाइन पोजीशन। ओके फ्रेंड, इसको कैंसिल करते हैं और इसको कैंसिल करके टोटल जॉब को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। और सेलेक्ट करके कूलिंग पॉइंट डाल देंगे, ऑटो कूलिंग पॉइंट डाल देंगे। 1-1 डालेंगे टाइम लगेगा फ्रेंड, डायरेक्ट ऑटो डालेंगे टोटली ऑटोमेटिक ये हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए इसको अभी हम ओके करेंगे फ्रेंड। इधर से रेडी हो गया सेपर सॉफ्टवेयर से, इधर से शॉर्ट में जाकर बटन टू टप कर देंगे फ्रेंड, क्योंकि नीचे से जाएगा ऊपर कटिंग करते हुए। चलिए ओके करेंगे। अब आ गए डीएनई सॉफ्टवेयर में। डीएनई सॉफ्टवेयर में इधर आ गए तो ये फाइंडेड पहले से था, इसको क्रिएट कर दिया, हटा दिया। तो चलिए अभी हम इसमें पैरामीटर फ्रेंड पैरामीटर इसमें डालेंगे। टेक्निक व्यू में जाएंगे और टेक्निक व्यू में जाकर और ये रीड में जाएंगे और ये देखिए 10 एमएम का पैरामीटर। ओके फ्रेंड, तो 10 एमएम का पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे और इसमें देखिए कटिंग स्पीड पहले से 2 मीटर पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ है फ्रेंड। तो हम उसको बढ़ा सकते हैं 2.2 में। तो आपको हर वीडियो में बताएं कि आप उसको अगर और स्पीड ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो देख लीजिएगा कि कटिंग बराबर कर रहा है कि नहीं। इसमें मैं ये टोटली इसमें कटिंग स्पीड और फोकस पोजीशन और गैस प्रेशर ये 3 पीस आप बराबर डालेंगे तो समझिए कि कटिंग बहुत अच्छा होगा। और सेंटर बीम भी चेक कर रहे हैं, एकदम पूरा अच्छा से होना चाहिए फ्रेंड। सेंटर बीम पर भी एक बार वीडियो हम बना देंगे फ्रेंड। तो चलिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड स्टेज है 10 एमएम का कटिंग कर रहे हैं ना। देखिए फ्रेंड, अगले वीडियो में जो भी बनाए थे उसमें वाली फर्स्ट स्टेज पर बनाए थे, वाली 1 स्टेज था। और इसमें ये 10 एमएम का है तो इसमें सेकेंड स्टेज है। जब पियर्सिंग करेगा फ्रेंड तो फर्स्ट स्टेज देखिए कितना दिया हुआ है और सेकेंड स्टेज का कितना दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज दबा कर आप टोटली राइटिंग कर लीजिएगा फ्रेंड। ओके, तो चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। और ये इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लेंगे। भूल कर भी नाइट्रोजन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका लेंस बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड। तो ये फोकस पोजीशन देखिए 0 है, हमेशा 0 कर देना चाहिए हमेशा फोकस पोजीशन को। जब भी सेंटर बीम चेक करेंगे फ्रेंड तो फोकस पोजीशन को 0 करके सेंटर बीम आप चेक करेंगे। तो बहुत देखिए ये टाइम है 41 मिनट 29 सेकेंड लगेगा फ्रेंड मेरे को कटिंग करने में, सिमुलेशन कर लिए मैं। तो चलिए ये वीडियो, हमको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड।